Guys, हेलो बच्चा पार्टी। हाँ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो बच्चों, टुडे वी आर डूइंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। टुडे वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की। ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो उसको पहले देख लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे तारों का चमकना, या हमने देखा होगा कि जैसे हमको अर्ली सनराइज या डिले सनसेट देखने को मिलता है। ये सभी कैरेक्टर्स जो आपने देखे हैं अपने रूटीन लाइफ में, ये सभी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ये सभी इंक्लूड होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कैटेगरी में। ठीक है, मतलब ये कि हमारे आसपास चारों तरफ एटमॉस्फेयर में नेचुरली जो रिफ्रैक्शन होता है, या जो हमें बहुत एविडेंटली दिखता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। ये एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर बच्चे ने देखी है, और इसको समझने के लिए आप इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं तारों को। एक्चुअली तारा यहाँ पर है, लेकिन तारा क्या है, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वेरी फार। अब जब वो वेरी फार है तो हमारे तक आते आते, लेट्स से कि यहाँ पे जितेश बैठा है या जितेश देख रहा है जितेश एक लड़का है, ठीक है। तो अब ये जो वेरी फार लाइट है, जब तक ये जितेश की आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ऑब्वियसली उसको कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, या सुनो। लेकिन होगा क्या, ये जब लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगी, तो ये लाइट कहीं पर रेयर मीडियम आएगा, कहीं पर डेंसर मीडियम आएगा, कहीं फिर रेयर डेंसर, पता नहीं, हो सकता है वैक्यूम से भी होके ये लाइट गुजरे। तो बहुत तरह के जोन से होके लाइट गुजरेगी। तो यू विल चेक दैट हियर देयर इज मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। अब मल्टीपल रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्शन, चेंज इन पाथ। रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो जो लाइट है यहां से जब आएगी, तो वो कई बार अपना उसका पाथ आगे पीछे होगा, तो आपको क्या दिखेगा इस तरह से, जब आप जब उसको देखेंगे तो आपको इट अपीयर्स ट्विंकलिंग। समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि हमें तारे ऐसा दिखता है कि हम तो तारों को एकदम सीधे देखते हैं ना, हम सीधे देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अर्थ क्योंकि कर्व्ड है, हम एक्चुअली जो स्टार है वो एक कर्व बना के हमसे डिस्टेंस पर है। क्योंकि हम एक ऐसा मानिए कि आप एक सर्कल पर हो, सर्कल पे सीधे से कुछ होता नहीं, एक टेंजेंट बना के आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, दो कारण है। सबसे बड़ा कारण है मल्टीपल रिफ्रैक्शन ड्यू टू मल्टीपल मीडियम इन द कोर्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग टू आवर आई, मतलब जो रास्ता है जहाँ से तारों से लेके हमारी आंखों तक लाइट पहुँच रही है, उस दौरान बहुत सारे मीडियम को क्रॉस होकर लाइट को आना पड़ता है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट हमेशा हम स्ट्रेट देखने की कोशिश करते हैं, बट वो होती कर्व में है। तो दोनों कारण से हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन वाला तो सबसे बड़ा कारण है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। नाउ अगेन कम टू दिस पार्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखो क्या होता है, देखो लिखा भी है सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले पता चल जाता है कि सन आ गया है, और 2 मिनट बाद तक ऐसा लगता है कि सन अभी भी है, जबकि वो सन एक काइंड ऑफ जा चुका होता है, डूब चुका होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप है ना, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं सन की एक्चुअल पोजिशन यहाँ पर है ना, और हम कर्व पर हैं, कर्व पर हैं, तो क्या होता है, लाइट तो हमारी आंखों तक डायरेक्ट आनी चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम है ना, जैसे मैंने बताया ना, हम कर्व नहीं देख सकते, हम स्ट्रेट चीज़ें देखते हैं, लेकिन लाइट क्या होती है, कर्व बना के आती है, क्योंकि अपन क्या है, अर्थ पर हैं, और अर्थ क्योंकि घूम रही है, यस और नो, क्योंकि अर्थ अपनी भी पेरिफेरी पे घूम रही है, तो हमको एक कर्व के साथ चीज़ें ऑब्जर्व होती है, यस और नो, समझ में। तो उस कर्व के कारण क्या होता है, हमारी आंखें तो सीधे देखना, तीर की तरह सीधे देखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ लो क्या है ऐसा। बाय द एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन। होराइजन मतलब ये सीधी लाइन है ना, जिसको हम सीधे देखते हैं, समुद्र तल में होराइजन पे दिखाई देता है, लाइक दैट। ठीक है,
so that actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. ये actual position है, this is the actual position. Apparent मतलब जो हमें दिखाई देती है, समझ में आया कि नहीं? The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun disk of sunrise and sunset is also due to the same phenomena. और ये सब का कारण अगेन वही है, जैसे twinkling of a star के लिए मैंने बताया था, same है. अगर आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन में बता रहा हूँ. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, आपको जब कुछ ना आए ना तो आप एक ही लाइन लिखना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, देख लेना कितने मार्क्स का है. अगर मान लो एक मार्क का ही क्वेश्चन है तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिख दिया, पूरा 1 मार्क मिलेगा. अगर 2 मार्क का है तो अगर एक फोटो बना दोगे तो 2, नहीं तो 1.5 मार्क तो मिल ही जाएगा. और अगर मान लो आपको पूरे 2 के 2 मार्क चाहिए तो आप उसमें इतना जरूर ऐड कर देना, बिकॉज द अर्थ इज इन द अर्थ इज स्फेरिकल एंड ड्यू टू दैट स्फेरिकल पार्ट द लाइट कमिंग टू आवर आई विच अपीयर्स और विच सीम्स अस टू बी स्ट्रेट बट इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट, इट इज कमिंग एज अ कर्व ऑन योर आईज. सो कर्व होने के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, तो क्या होता है, पोजिशन अलग दिखती है. हम देखो आंखों से सीधा ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा सन इधर, बट एक्चुअली सन डूब चुका है. चलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. गाइज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने आपको 9th में समझाया था. सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में खिड़की के में अगर कोई छोटा सा लाइट का रे आ रहा है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल रैंडमली मूव करते हुए दिखाई दे जाएंगे या स्कैटर करते हुए दिखाई जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. याद रखना, टिंडल इफेक्ट होने के लिए पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए. बहुत बड़ा होगा तो भी नहीं होगा टिंडल इफेक्ट. जैसे हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट डिस्कस किया था सॉल्यूशंस के लिए, समझ में, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन आपको याद है कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, अपन ने डिस्कस किया था ना टिंडल इफेक्ट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब देखो क्या होता है सन. अब ध्यान से देखना, हमको पता है सन से जो लाइट आती है वो स्ट्रेट आती है. अब ये देखो, ये अपनी अर्थ है, लेट से दिस इज आवर अर्थ, और यहां से सन से लाइट आ रही है. ठीक है, ये जो सन से लाइट आ रही है, अब आप कभी भी नोटिस करना, सन से जो लाइट आती है हमें स्ट्रेट दिखाई नहीं देती, हमें रोशनी चारों तरफ दिखती है लेकिन उसका पाथ नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये मैं ई लिख देता हूँ, ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, दिस एटमॉस्फेयर है ना. अब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, देयर आर सो मेनी गैसेस, यस और नो? तो जो लाइट आ रही है जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है, आती तो स्ट्रेट है लेकिन जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है वो एक्चुअली फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. तो हमको है ना लाइट का रियल सोर्स नहीं पता चलता, हमें सिर्फ रोशनी दिखती है. समझ में आई बात? समझ में आ रहा बात? तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर वी गेट दैट काइंड ऑफ इफेक्ट कि चारों तरफ लाइट लाइट दिखती है. समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हो, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपलेस्ट लाइन है ना. ठीक है, याद रखना पार्टिकल अगर बहुत छोटे होते हैं तो नहीं हो सकता ये टिंडल इफेक्ट. क्लियर है? टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा जरूरी. समझ में? व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू. क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव सेम साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. मतलब ये कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और अदर पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है. ठीक है, कितना छोटा? स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा. समझ में आया कि नहीं? देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. अब बच्चों, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, ये चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट में रेड से लेके वॉयलेट पूरे कलर होते हैं, यस और नो? तो रेड से लेके वॉयलेट जो पूरे कलर है उसमें वॉयलेट या ब्लू कलर इजिली, क्योंकि देखो क्या है, यहां से जब टकराएंगे पार्टिकल टकराएंगे तो उसको फैलाया जाएगा, बताया ना टिंडल इफेक्ट. अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड की वेवलेंथ क्योंकि ज्यादा है, तो उसमें स्कैटरिंग होती नहीं ज्यादा, लेकिन जो वॉयलेट या ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो वो इजिली स्कैटर हो जाते हैं,
पार्टिकल से टकरा के, समझ में? तो आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि ड्यू टू मोर टिंडल इफेक्ट ऑफ ब्लू कलर या वॉयलेट कलर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप चाहो तो वेवलेंथ के टर्म्स में बोल दो कि द ब्लू और वॉयलेट, वॉयलेट भी कई लोगों को लिखता है, एक्चुअली प्योर ब्लू तो नहीं दिखता, वॉयलेट और ब्लू के बीच की कंडीशन होती है तो इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेट, एक्चुअली लेस और इक्वल बोल दो, लेस और इक्वल टू द वेवलेंथ विच वी यूज टू गेट फ्रॉम लाइट, तो यही हमारी आंखों तक पहुंचती है और फैल जाती है, तो इसीलिए हमको ब्लू कलर का अपीयरेंस दिखता है, ठीक है, क्लियर है? और रेड लाइट क्या है, राइट, रेड लाइट फैलती नहीं है, डिस्पर्स नहीं होती है, तो इसीलिए रेड लाइट के सिग्नल बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल्स ऑफ लाइट आर मेड ऑफ रेड इन कलर, डन? नाउ कलर ऑफ सनराइज एंड कलर ऑफ सनसेट, ये तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो, क्यों? अभी अभी अपन ने समझा, क्या समझा कि हमने ये नोटिस किया था कि सन जब कभी डूब रहा होता है या जब कभी वो निकलने वाला होता है तो दोनों ही कंडीशन में लाइट कर्व बना के आती है, हमने डिस्कस किया ना, यस और नो? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट करने किया गया है यहाँ पे, वो अपन भी देख लेते, चलिए। यू विल फाइंड द माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3, ये कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं लोग? ओके, प्लेस द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट एट द फोकस कन्वर्जिंग लेंस L1। अभी ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये सब लेंस वगैरह हमने डिस्कस किया, कन्वर्जिंग वो होता है जो ये बाय कॉन्वेक्स होता है ना, बाय कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, याद है ना? तो अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास टी कंटेनिंग वाटर, तो मतलब ये देखो ये सोर्स है, दिस एस स्टैंड फॉर सोर्स, इससे लाइट निकल रही है, उसको कन्वर्ज करके, ठीक है, हमने यहाँ वाटर में से पास किया, ठीक है? नाउ अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल सी मेड इन अ कार्डबोर्ड, ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल इन द स्क्रीन MN यूजिंग दिस, डिजॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, एक्चुअली एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, एंड अबाउट 2 liters ऑफ क्लीन वाटर एंड टेक इन अ टैंक अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर बॉड वीडियो ऑब्जर्व। ओके, सो देखो ये कोलॉइडल सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली देर विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब मुझे लगा कुछ बहुत भारी चीज बता रहे हैं, बट ये बेसिकली आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि नहीं, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास फेसिंग द सर्कुलर होल, इट इज इंटरेस्टिंगली टू ऑब्जर्व द फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन द ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन, मतलब आप तो यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रहे हो ना, अब व्हाइट लाइट पास करोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, आपको मैंने बताया कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, तो मान लो ये वॉयलेट वाली है, लेकिन जो ये वाली है ये रेड वाली है, तो रेड वाली जाएगी और रेड वाली ही यहाँ पे इमेज बनेगी, समझ में आया? मैंने बताया ना रेड वाला दूर से भी दिखाया जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो ज्यादा फैलता नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है आपको यहाँ पे रेडिश कलर दिखाई देगा। सिमिलरली ये सन के साथ भी होता है, जैसे एस स्टैंड फॉर सन मान लो, ठीक है, तो सन से आने वाली जो लाइट है उसमें से बाकी कलर जो है ना वॉयलेट वगैरह वाले जो कलर है उनकी वेवलेंथ कम है तो वो फैल जाते हैं, लेकिन जो रेड वगैरह है, रेड वगैरह या क्रिम्सन रेड बोल लो, ये इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और ये हमारी आंखों तक ट्रेवल कर पाते हैं आसानी से और हमें इमेज फॉर्मेशन करके देते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चों बाड़ी? चलिए, नाउ द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द हेल्प टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। सबका कारण एक ही है, देखो ये अपन ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पे शेरिन खड़ी है, यहाँ पे शेरिन खड़ी है, ठीक है, अब सन इज नियर टू द होराइजन, सन नियर टू द ओवरहेड, तो अभी क्या होगा, जो भी लाइट, जैसे सन आपके सिर के एकदम ऊपर है या सन इस साइड पर है आपके होराइजन पर है, मतलब आपकी नजर के एकदम सामने है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो रेड लाइट है वो आपकी आंखों तक इजिली पहुंच पाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जबकि जो वॉयलेट कलर है वो फैल जाता है, समझ में? तो वॉयलेट कलर फैल जाने के कारण क्या होगा, वॉयलेट कलर फैल जाने के कारण आप जब इमेज बनाने की कोशिश करेंगे
या आप जब उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वॉलेट का ही अपियरेंस देखने को मिलेगा, सबका अपियरेंस देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर? आई रियली बिलीव आप लोग समझ रहे हो, ये वेवलेंथ का चक्कर आपको समझ में आ रहा होगा। आप कभी भी नोटिस करो ना, जैसे ऐसा बहुत ऑब्वियस है, आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो सिग्नल होते हैं, गाड़ियों के अंदर भी, जैसे गाड़ी में आपने देखा होगा गाड़ी की जो बैक लाइट होती है हमेशा रेड होती है। आप कभी भी नोटिस करना, हमेशा कोई भी गाड़ी ले लो, ठीक है, इनफैक्ट साइकिलों के पीछे भी जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। उसका रीज़न क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो दूर से भी दिखाई दे जाता है, समझ में। अब क्या होता है, जैसे अब सन है ना, अब जब सन डूब गया है, जब सन डूब गया है या ऑलमोस्ट डूबने वाला है, तो उस समय वॉयलेट वगैरह कलर या ब्लू कलर तो ऑलरेडी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रेड की क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एक भी अगर थोड़ा सा भी अगर सन होराइजन से के आसपास है, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे भी आ गया ना, तो भी रेड कलर आपकी आंखों तक पहुंचता रहता है और आपको यही दिखेगा कि वाह अभी भी सन है। तो आपको ले दे के देखो क्या बोलना है, अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि सन इमिट्स वाइट लाइट एंड इन दैट वाइट लाइट ड्यू टू वेरियस रिफ्रैक्शन वी यूज टू गेट दैट। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे है ना इसको नहीं समझ पाते, तो आप घुमा के आंसर एनीवे दे ही सकते हो। मैं चाहता हूँ कि स्कोर अच्छा हो, अब मैं इस साल चाहता हूँ कि स्कोर अच्छा हो, तो उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है। द ह्यूमन आई कैन, अब एक्सरसाइज गाइज, एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द कील ऐप, गाइज डोंट फॉरगेट, आप लोग कील ऐप पे देख लेना, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूंगा ऐप से देख के इसको सॉल्व कर लो, मैं हालांकि बता देता हूँ बट आप पूरा उधर सॉल्व कर लेना। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन। हाँ और क्या, अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट, ये तो बाकी तो सभी बीमारियां हैं। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हाँ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन करके वो सेट कर सकता है जहां भी देखना है, ठीक है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन आई बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ह्यूमन आई इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है कि उस लेवल की चीजें बनाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ह्यूमन आई के आसपास की चीजें बना सकते हैं लेकिन इतना तेजी से एडजस्टमेंट वो भी नहीं होता। आजकल जो कैमरेज आते हैं आपने देखा होगा, कैमराज में है ना ऑटो फोकस का ऑप्शन आता है, तो ऑटो फोकस में भी वो दे टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट हमारी आंखों के लिए इतना नहीं होता, आप पास की दूर की तुरंत कोई चीज़ देख सकते हो। हाँ ये बात और है कि कई बार एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे मुझे चश्मा लगाया था, कुछ लोग चश्मा लगा, उनमें क्या होता है एडजस्टमेंट करने में कुछ माइक्रो सेकेंड्स लग जाते हैं, इसलिए तुरंत इमेज क्लियर जूम नहीं होती आप जो भी देख रहे हो, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे लोगों में तो तुरंत हो जाती है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, ये क्या है, अच्छा ये MCQs है, सॉरी मैं भूल गया था, रेटिना पे बनता है, कॉर्निया, आयरिश, प्यूपिल, ऑब्वियसली ये सब ही नहीं, रेटिना, ठीक है। द लीज डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड विद द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, द पर्सन A person needs a lens of -5.5 diopter, मतलब power दिया है for correcting the vision, for तो ये short sightedness का है, negative power है, तो ऐसे answer हो गया, and a plus है तो ये far sightedness का है, find the focal length of this, focal length is equal to 1/d, yes or no, आप कर सकते हो, ये अपन ने किया था already lens वाले part में, देखो वो चैप्टर अपन ने किया था ना लेंस वाला, उसके साथ ये चैप्टर करने का कितना फायदा होगा आपको। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। अभी देखो मायोपिक पर्सन है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और शॉर्ट साइडनेस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ये सुनो, तो ये द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, तो मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट 80 दिया है, हाँ है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, यस और नो, यस याद है कि नहीं याद है। अब आप थोड़ा एक बार इधर एक बार एक नजर घुमा लो, ये एक नजर घुमा लो, आपके लिए काम आएगा बहुत ज्यादा ये, अरे अपन बहुत आगे निकल गए,
एक मिनट मैं आपको ये जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप एक बार एक नज़र घुमा लो, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एवरीवन। अब मायोपिया में आपको याद होगा, मायोपिया अपन ने देखा था, तो इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें सामने वाले को नहीं दिखती है, हाँ ना? तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो बंदा है उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, पास की चीज़ें लेकिन दिखाई देंगी, हाँ ना? तो पास की चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब हमें क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास में लेके आके इमेज बनानी है। तो ऑब्जेक्ट कितना रखोगे, ऑब्जेक्ट तो आप रखोगे 80 पर ही, लेकिन वी जो इमेज बनेगी वो 25 सेंटीमीटर पे बनाओगे, यस और नो? बस अब आप 1/f वाला फॉर्मूला लगा दो, मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन, कर चुके अपन। व्हाट इज अ नॉर्मल, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली, क्योंकि आंखें इससे ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं कर सकती, सिलेरी मसल्स इतना भी लेंस को नहीं दबा सकते ना, लेंस सिकुड़ते सिकुड़ते इतना आ जाता है कि 25 सेंटीमीटर विच इज द व्हाट वी से 25 सेंटीमीटर इज अ नियरेस्ट पॉइंट, उससे उससे पास की चीज़ें नहीं देख सकते अपन। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, तो जो लेंस है वो बड़ा हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई When we increase the distance of object from the eye, double हो जाता है, ये तो normal lens जैसे ही होता है। Why do the star twinkle? बता चुके हैं, explain why planets do not twinkle, क्योंकि planet से थोड़ी ना light आती है, stars light generate करते हैं, planets light generate नहीं करते, light generate नहीं करते तो multiple refractions नहीं होते। Why does the sun appears reddish? बता चुके हैं, why the the sky appears dark instead of blue to the astronaut. अगर astronaut क्या होता है, atmosphere के बहुत ऊपर रहते हैं, समझ में? तो वो जब वो atmosphere के ऊपर तो उनकी आंखों तक light पहुँच ही नहीं पा रही है, और आंखों तक अगर light नहीं पहुँच रही है तो obviously उनको अंधेरा ही दिखेगा ना। अरे image दिखने के लिए light पहुँचना ज़रूरी है ना, तो आप space में थोड़ी ना light पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर already atmosphere नहीं है, तो Tyndall effect वगैरह होगा नहीं, खत्म। So guys, this chapter is over. स्टिल आई सजेस्ट आप लोग है ना की लैब पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ठीक है? गो टू द की लैब। मैं थोड़ा जल्दबाजी में जानबूझ के बताया क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोडेड, देयर इज नो सेंस ऑफ एक्सप्लेनिंग मोर, तो आप जाके देख लेना। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट डोंट हेजिटेट टू आस्क। सो वी आर कंप्लीटिंग टूडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आईसीएससी पीपल आई डिडंट प्लेस योर लेक्चर टूडे ड्यू टू सम रीजंस, सो आज आप चिल करो, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। अंडर देन बाय गाइस, बाय, टेक केयर, Bye everyone.